बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ के इस सेशन में ग्रेड सेवन के साइंस को डिस्कस किया जाएगा। ग्रेड सेवन के साइंस को डिस्कस करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी आपको, इनमें ग्रेड सेवन के लिए टेक्स्ट बुक जो कि कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ का एक हिस्सा है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की इन्फोर्समेंट्स और एक्टिविटीज़ के लिए, और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक ग्रेड सेवन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए रिसोर्स पैक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, जिसमें तमाम SLOs अपनी मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बयान किए गए हैं। रिसोर्स पैक और समर पैक cantabpublisher.com की वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। द टुडेज़ लेक्चर इज़ फ्रॉम साइंस ऑफ ग्रेड सेवन। द चैप्टर विच इज़ अंडर डिस्कशन इन इज एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप, एंड द रिलेशनशिप दैट इज़ फाउंड अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, नॉट ओनली अमंग एनिमल्स बट अमंग एनिमल्स एंड एज वेल एज अमंग प्लांट्स। इट्स अवर लेक्चर 3 फ्रॉम चैप्टर 4, and the lecture 3 is about the accommodation of organisms in an habitat. In this lecture we will study how an organism, an animal or a plant accommodate itself, adjust itself in a particular habitat. A habitat, you know, that is a place which with constant factors. Agar kisi habitat mein temperature agar zyada garam hai to wo kafi arse tak garam hi rahega. अगर किसी हैबिटेट का टेम्परेचर टेम्परेट है तो वो टेम्परेट ही रहेगा। सो उस एनवायरनमेंट के, उस हैबिटेट के एबायोटिक फैक्टर्स के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ताकि, और इनके एडजस्टमेंट की वजह ये होती है कि फूड के लिए कंपटीशन, रेजिडेंस के लिए कंपटीशन कम से कम हो सके। सो हम देखते हैं कि एनिमल्स ऐसे कौन से फीचर्स अडेप्ट करते हैं जो इनको किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इस लेक्चर के थ्रू जो SLO अचीव किया जाएगा वो है इन्वेस्टिगेट द वेरियस फीचर्स दैट अलाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। हाँ, वो तमाम फीचर्स, तमाम फैक्टर्स, हाँ वो एबायोटिक हों या वो बायोटिक हों, वो स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो फैक्टर्स, फीचर्स एनिमल्स को या प्लांट्स को किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में एडजस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। सो विच फीचर्स अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू लिव इन अ हैबिटेट, जैसा कि लॉयन, उसकी एक पर्टिकुलर हैबिटेट है वो ग्रासलैंड में एग्जिस्ट करता है। लायंस कभी भी डेजर्ट में नहीं रह सकते, लायंस का पोलर रीजन में नहीं रह सकते, लायंस का अपना एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है और वो डेजर्ट ग्रासलैंड हैबिटेट्स हैं। यदि उनको टेम्परेचर चाहिए, उनको वाटर चाहिए, उनको फूड चाहिए, तो फूड के लिए उनको हर्बीवोरस एनिमल जैसे कि डियर है या दूसरे एनिमल्स जो हर्बीवोरस हों उनको अपने एज ए फूड चाहिए होते हैं। सो एक ऑर्गेनिज्म के कौन से फीचर हैं जो उन्हें एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने में मदद देते हैं, यानी लॉयन के ऐसे कौन से फीचर्स होंगे जो उन्हें सिर्फ ग्रासलैंड में रहने के लिए यूजफुल होंगे या हेल्पफुल होंगे? क्या वो एनवायरमेंटल फीचर्स हैं? यस, क्योंकि हैबिटेट एक एनवायरनमेंट से ही बनता है और एनवायरमेंटल फीचर्स ही वो बेसिक फीचर्स हैं जो किसी भी एनिमल के एक जगह पर रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और ये ऐसा क्यों है? बिकॉज लाइफ डिपेंड्स अपॉन एबायोटिक एनवायरनमेंट। पानी के बगैर, हवा के बगैर, टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर के बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्या इसके अलावा भी कोई और फीचर्स हैं? यस, देर आर अनदर एस्पेक्ट allowing organisms to accommodate in a particular habitat. And what are those aspects? Those are themselves, animals themselves. Yes, animals khud bhi apne aap ko kisi particular habitat ke liye suitable banate hain. Wo kaise? Animals kuch aise features develop kar lete hain, kuch physical features, kuch behavioral features develop kar lete hain, kuch aisi adat apna lete hain, kuch aise organs develop kar lete hain jo unhein us environment ke mutabik rehne mein ke liye madad deti hai. Jaisa ki aapne aksar dekha hoga ke grasshopper green leaves mein rehta hai aur green leaves uske liye ek defensive position mein use le aata hai, yani green leaves ki wajah se grasshopper अपने एनिमल्स के लिए पहचाना नहीं जा सकता। तो वो जिसका जो ग्रीन कलर है वो उसका एक अडेप्टिव फीचर है जिसने ग्रास होपर को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए मदद दी है। इसी तरह बहुत से एनिमल्स के फीचर्स हैं, कुछ तो आप ग्रेड 3 में, ग्रेड 4 में पढ़ चुके हैं, बाकी हम अभी आप देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स एक्वायर
डिवेलप पोजेस स्पेशल फीचर्स. ये फीचर्स फिजिकल भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ऑर्गन एज वेल एज बिहेवियर, यानी उनकी कुछ आदत भी हो सकती हैं विच अलाउ देम टू लिव इन देयर स्पेसिफिक हैबिटेट. अब वो आदत क्या हैं, वो फिजिकल ऑर्गन्स क्या हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो हम देखेंगे अपने आज के लेक्चर में. टेक्स्ट बुक अगर आप ओपन करें अपने पेज 47 पे तो आपको जो टॉपिक मिलेगा 4.3 वो आपके आज के SLO को अचीव करने में मदद करेगा. फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर अ पर्टिकुलर हैबिटेट. अब ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स कौन से हैं, सबसे पहले तो हम एबायोटिक फीचर्स देखेंगे. एबायोटिक फीचर्स में सबसे पहले टेम्परेचर है और उसके बाद वाटर है. इसके अलावा एयर क्वालिटी भी है. एयर की कॉम्पोजिशन तो थ्रू आउट ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है. सो यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, डिसाइडिंग फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो जिन्होंने डिसाइड करना है, जो वेरी करते हैं इस तरह से कि उनका चेंज ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे अफेक्ट कर सकता है, वो वाटर है और टेम्परेचर है. इसके अलावा जो बाकी के फीचर्स हैं, लाइट इंटेंसिटी भी ऑलमोस्ट कमोबेश एक ही जगह एक ही जैसी रहती है. एयर की कॉम्पोजिशन भी प्लस माइनस के साथ एक ही जैसी रहती है. सो तो वो ऐसे डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं हैं एनिमल्स की किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए. सो हम सिर्फ यहाँ पे दो फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, सूटेबल टेम्परेचर और वाटर. ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नेचुरली अडेप्टेड टू सर्वाइव एंड लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. आप जानते हैं जैसे कि अगर हम अपने इंसान की मिसाल लें तो इंसान लैंड एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड है. इंसान समंदर में सारी उम्र नहीं गुजार सकता, इंसान पोलर रीजन में सारी उम्र नहीं गुजार सकता. इंसान एक इंसान को रहने के लिए एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए. सो इसी तरह ऑर्गेनिजम्स भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं. उनके फीचर्स सिर्फ उसी हैबिटेट से मुतल्लिक होते हैं. दे हैव वेल अडेप्टेड फीचर्स रिगार्डिंग टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, नेचर ऑफ सॉइल. नेचर ऑफ सॉइल ज़्यादा सूटेबल है प्लांट्स के लिए. हर प्लांट एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के साथ जो वाली जो सॉइल है उसमें रहता है. कुछ प्लांट्स एसिडिक सॉइल में रहते हैं ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स मार्शी सॉइल्स में ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स सॉल्टिश सॉइल में ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं. तो नेचर ऑफ सॉइल प्लांट्स के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है. एनी चेंज इन दीज फैक्टर्स कॉज ह्यूज चेंजेस इन पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट. अगर किसी जगह का टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाए और परमानेंटली चेंज हो जाए और इस कदर चेंज हो जाए कि वो लाइफ को के लिए सपोर्टिव ना रहे तो वहाँ की हैबिटेट यकीनन अफेक्ट करेगी. यानी अगर एक जगह का टेम्परेचर 35 डिग्री है जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है और सडनली वो टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है तो वहाँ पर जो लाइफ एग्जिस्ट करेगी एनिमल्स की स्पीशीज़ और प्लांट्स की स्पीशीज़ वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगी इस टेम्परेचर चेंज की वजह से. पौधे अल्टीमेटली उस टेम्परेचर को बेयर नहीं कर सकेंगे, फोटोसिंथेसाइज नहीं अच्छे से कर सकेंगे तो उनका डिके स्टार्ट हो जाएगा. और पौधों का डिके स्टार्ट होगा तो साथ ही एनिमल्स का डिके स्टार्ट हो जाएगा. मैनी अदर नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स ऑल्सो कॉज चेंजेस इन अ हैबिटेट. प्लांट्स एज प्रोड्यूसर यूटिलाइज लाइट एनर्जी फ्रॉम सन टू मेक देयर ओन फूड. ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड, यू नो दैट वेरी वेल. एनिमल्स ऑल्सो नीड लाइट फॉर देयर सर्वाइवल. Peacock absorbs sunlight to warm its body. Light intensity affects the maintenance of suitable temperature. Natural disasters affect the number of plants in a habitat. If number of plants decrease due to unavailability of light, there will be a decline in number of animals as well. Here are some other factors that affect life. अब हम वो factors एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले suitable temperature है. Suitable temperature causes changes in the population of a habitat. Any unusual increase or decrease in temperature can disturb the habitat. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी हैबिटेट में unusual decrease होगा, unusual rise होगा temperature का, तो वहाँ की life को directly affect करेगा. अगर किसी habitat के plants affect हो जाते हैं तो ultimately उसका food chain, उसका पूरा ecosystem disturb हो जाएगा. क्योंकि हम previous lectures में पढ़ चुके हैं कि animals और plants एक दूसरे पर dependent हैं, ना सिर्फ फूड के लिए बल्कि बहुत से दीगर कामों के लिए भी.
फॉर एग्जाम्पल देर विल बी लेस ऑक्सीजन अवेलेबल टू एक्वेटिक लाइफ इन वार्म वाटर. अगर किसी जगह पे वोल्केनिक इरप्शन होगी तो अल्टीमेटली उस एरिया का मेरीन एरिया का पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा और पानी के गर्म होने की वजह से वहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी. तो एनिमल लाइफ तो एनिमल स्पीशीज जो उस डिजॉल्व ऑक्सीजन पर डिपेंड कर रही हैं वो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी. सो सूटेबल टेम्परेचर एक डिसाइडिंग फैक्टर है किसी भी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए. मोर ओवर एट हाई टेम्परेचर्स इन डेजर्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड इट्स कंसर्न्ड एक्टिविटीज़ आर नियरली इम्पॉसिबल टू बी डन. आप जानते हैं कि सहराओं में दर्जा हरारत किस कदर ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 50 डिग्री और अबव. सो इस हाई जो ह्यूमन बॉडी है वो इतने हाई टेम्परेचर के लिए नहीं बनाई गई क्योंकि हमारी प्रोटीन्स को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए. जैसे ही टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर उस पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी की प्रोटीन्स डी नेचर होना शुरू हो जाती हैं और प्रोटीन्स के डी नेचर होने की वजह से बॉडी के फंक्शंस अफेक्ट करते हैं. लिहाजा ह्यूमन लाइफ डेजर्ट एनवायरनमेंट में जहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है सर्वाइव नहीं कर सकती. अगला फैक्टर है वाटर का. वाटर इज़ नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. इन अबंडेंस ऑफ वाटर देर विल बी मोर वेराइटी ऑफ लाइफ. आप जानते हैं कि जैसे रेन फॉरेस्ट में आप पढ़ चुके हैं कि रेन फॉरेस्ट में चूंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे लाइफ भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. आपको तकरीबन हर किस्म का जानवर हर किस्म के पौधे वहाँ पे मिलेंगे. यानी 50% हमारा फ्लोरा और फाना रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करता है और इसकी वजह क्या है कि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन अ हैबिटेट ग्रेटली अफेक्ट्स इट्स ऑर्गेनिज्म. जितना अच्छा पानी होगा जितनी अच्छी पानी की क्वालिटी होगी यानी उसमें मिनरल्स की अमाउंट प्रॉपर होगी इतनी अच्छी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी. ये तो थे एबायोटिक फैक्टर्स जो किसी भी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म्स की लाइफ को अफेक्ट करते हैं. अब आते हैं अपने बायोटिक फैक्टर्स की तरफ. अब अपने यानी वो फैक्टर्स देखते हैं जो एक एनिमल्स के अपने फीचर्स हैं यानी उसके बॉडी ऑर्गन्स हैं. बॉडी फीचर्स उसके कैसे एक ऑर्गेनिज्म्स को एक पर्टिकुलर हैबिटेट में एडजस्ट करते हैं वो देखेंगे. और ये टॉपिक आपको मिलेगा अपने CSS की टेक्स्ट बुक में पेज 49 पे अंडर द हेडिंग ऑफ 4.6 अडेप्टेशंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर पर्टिकुलर हैबिटेट. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अडेप्टेशंस जो हम बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इसका क्या मतलब है. ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिवेलप्ड डिफरेंट फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव इन देयर पर्टिकुलर हैबिटेट्स. दीज अनयूजुअल फीचर्स आर कॉल्ड अडेप्टेशंस. यानी वो स्पेशल फीचर्स जो किसी हैबिटेट से मुतल्लिक हो वो अडेप्टेशंस कहलाते हैं. अब हम बारी बारी हैबिटेट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या अडेप्टेशंस है. सबसे पहले कोल्ड लैंड हैबिटेट है कि ऐसा एनवायरनमेंट जो ज़मीनी भी है और उसमें टेम्परेचर बहुत लो है. सर्दी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर लो है तो अल्टीमेटली सर्दी ज़्यादा होगी. और इस हैबिटेट में रहने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं. वाइट ऑल, आर्कटिक फॉक्स और पोलर बियर्स. पोलर बियर तो आप ग्रेड 3 में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं अपनी आसानी के लिए और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि किसी भी अडेप्टेशंस क्यों की जाती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कि कोई भी अडेप्टेशन खा वो बिहेवियोरल हो या फिजिकल अडेप्टेशन हो किसी ना किसी थ्रेट से बचने के लिए की जाती है. यानी कोई भी ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स या एनिमल्स अडेप्टेशंस इसीलिए डेवलप करते हैं अडेप्ट करते हैं ताकि वो किसी ना किसी पर्टिकुलर थ्रेट से बच सकें. तो जो कोल्ड लैंड हैबिटेट है उसका सबसे पहला थ्रेट और सबसे ज़्यादा जो थ्रेटफुल कंडीशन है वो उसका टेम्परेचर है. टेम्परेचर बहुत कम होता है. सो ये वो थ्रेट है जो लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है. तो वहाँ रहने वाले एनिमल्स इस थ्रेट से बचने के लिए कोई ना कोई हैबिट कोई ना कोई ऑर्गन अडेप्ट करते हैं. सो तो जो अडेप्टेशन की जाती है जो वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिजम्स यानी कि वाइट ऑल, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर वगैरह रखते हैं वो है थिक फर. उनकी बॉडी में इंसुलेशन नेचुरली प्रेजेंट होती है. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पोलर बियर की बॉडी पे थिक फर प्रेजेंट होती है. ये थिक फर उसे सर्दी से बचाती है, इंसुलेशन का काम करती है. जो ठंडी हवा है वो इन बालों के दरमियान में ट्रैप हो जाती है और बॉडी ऑर्गन्स को या एक्चुअल बॉडी को डिस्टर्ब नहीं कर पाती. इसी तरह वाइट ऑल के ऊपर भी एक थिक लेयर ऑफ फीडर्स होती है. आर्कटिक फोर्स की बॉडी पे भी
फर की एक थिक लेयर होती है जो एक इंसुलेशन का काम करती है और इनकी बॉडीज को इतने कोल्ड एनवायरनमेंट में भी वार्म रखती है, ठंडा नहीं होने देती। दिस फर प्रोटेक्ट्स देयर बॉडी एंड कीप देम वार्म इन फ्रीजिंग कोल्ड। स्नोई ऑल हैज ऑल्सो हैज अ थिक कोट ऑफ फीदर्स। दूसरा हैबिटेट है हमारे पास हॉट लैंड, यानी जमीन है, जमीनी हैबिटेट है, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एज कंट्रास्ट टू कोल्ड लैंड हैबिटेट। यानी और अल्टीमेटली इसमें कौन कौन से इलाके आएंगे, इसमें वो डेजर्ट एरियाज आएंगे जहाँ पे जो कि सैंडी होते हैं, जो कि ड्राई होते हैं और उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें थ्रेट्स कौन कौन से होंगे? एक्सट्रीम हॉटनेस सबसे पहला थ्रेट, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, क्योंकि ये हॉट लैंड हैबिटेट है तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव इन एक्सेसिव हीट टू रिड्यूस वाटर लॉस। अब एक्सेसिव हीट है तो चूँकि जहाँ हीट ज़्यादा होगी वहाँ पर रेट ऑफ इवेपरेशन भी ज़्यादा होता है। रेट ऑफ इवेपरेशन ज़्यादा होगा तो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में से पानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इस फैक्टर को रोकने के लिए, यानी वाटर लॉस को कम करने के लिए, सम डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक सर्फेसिस विद थिन एंड स्पाइनी लीव्स। अब इस थ्रेट के अगेंस्ट क्या अडेप्टेशंस की जाती हैं कि एनिमल्स लर्न टू बी नॉक्टर्नल, कि जो वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स हैं वो दिन के वक्त नहीं निकलते बाहर, जैसा कि डेजर्ट रैट है, ये रात को बाहर निकलते हैं, रात को अपना फूड सर्च करते हैं, दिन के वक्त इसलिए नहीं निकलते कि उनका वो अब उनकी बॉडी में ऐसा फीचर नहीं है जो इतना गर्म टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। सो दिन के वक्त ये अपने बिलों में छुपे रहते हैं, जैसे ही रात होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, ये अपने फूड सर्चिंग के लिए बाहर निकल आते हैं। ये तो थी एनिमल्स की अडेप्टेशन। दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट जो कि हॉट लैंड हैबिटेट में आता है वो है वाटर स्केयर्सिटी, यानी पानी कम होता है। पानी क्यों कम हो जाता है? हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपरेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो जो वहाँ रहने वाले प्लांट्स हैं वो वाइड स्प्रेड रूट सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, उनकी रूट्स बहुत दूर तक चली जाती हैं रेत में, एंड थिक स्टेम्स, और उनके जो स्टेम्स होते हैं वो थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं, ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर किया जा सके। और मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स बीइंग नॉक्टर्नल जस्ट एज लिजर्ड एंड जैक रैबिट से वाटर इन देयर बॉडी बाय लिविंग अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे एंड कमिंग आउट एट नाइट। और ये जो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी में पानी भी इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो दिन के वक्त तो बाहर नहीं निकलते, सो इनमें जो स्वेटिंग रिस्पॉन्स है वो नहीं होता क्योंकि वो छुपे रहते हैं, तो उनमें वाटर लॉस भी कम होता है। प्लांट्स डिवेलप, अब जो वाटर स्केयर्सिटी है इसके अगेंस्ट जो अडेप्टेशन है वो है कि प्लांट्स डिवेलप वाइड स्प्रेड रूट सिस्टम, स्टोर वाटर इन देयर बॉडी, और उनकी थिक सर्फेसिस होती हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये एक डेजर्ट प्लांट का स्टेम था जिसने, आप देख सकते हैं कि ये किस कदर जूसी और फ्लैशी है, इसने अपने अंदर पानी की एक बहुत बड़ी अमाउंट को स्टोर कर रखा है ताकि वाटर लॉस जैसी कंडीशन इसे से सफ़र ना करना पड़े। दूसरा, इनके जो लीव्स हैं वो थिन होते हैं, स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं। अब जो लीव्स का सर्फेस एरिया कम हो जाने से भी रेट ऑफ इवेपरेशन रिड्यूस हो जाता है। सो ये वो अडेप्टेशन हैं जो जो एनिमल्स और प्लांट्स को हॉट लैंड हैबिटेट्स में रहने के लिए मददगार होती हैं। अब अगले आते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशंस, कि एनिमल्स अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करते हैं अपने हैबिटेट के लिए। द रोर्स ऑफ लायंस, हॉलिंग ऑफ वुल्व्स एंड हमिंग ऑफ बर्ड्स आर द अडेप्टेशंस ऑफ बिहेवियर। यानी हर जानवर की एक मखसूस आवाज़ है और वो मखसूस वक्त पर वो मखसूस आवाज़ निकालता है। एनिमल्स सेंड एंड रिसीव मैसेजेस यूजिंग साउंड, और इन आवाज़ों के थ्रू इन एनिमल्स एक दूसरे को मैसेजेस कन्वे करते हैं। दे ऑल्सो मेक दीज साउंड एज ए सिग्नल टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और वो अपना रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए भी इन बिहेवियरल अडेप्टेशन से मदद लेते हैं। इसके अलावा अगर उनके पर्टिकुलर हैबिटेट में, पर्टिकुलर बाउंड्री में कोई थ्रेट आ जाए, कोई एनिमी आ जाए, तो वो एक मखसूस आवाज़ों के जरिए अपने जो कम्युनिटी फेलोज हैं उनको अवेयर करते हैं ताकि वो उनकी मदद के लिए आ सकें। ये तो थी बिहेवियरल अडेप्टेशंस। अब हम देखते हैं कि एक्वेटिक हैबिटेट में किस तरह की अडेप्टेशंस रिक्वायर्ड हैं किस एनिमल्स को रहने के लिए। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्वेटिक हैबिटेट में कौन कौन से थ्रेट्स एनिमल्स के लिए, इनकी लाइफ के लिए खतरा बन सकते हैं। तो सबसे पहले इन वाटर रेजिस्टेंस इन मूवमेंट। अब पानी में रहने वाले जानवरों को मूव तो करना है, और पानी में रहने वाले जानवर
पानी में तो नहीं चल सकते, लिहाजा उन्हें स्विम करना पड़ेगा। और स्विमिंग में जो सबसे बड़ा थ्रेट एनिमल्स को फेस करना पड़ता है वो वाटर रेजिस्टेंस है, कि पानी में से गुजरना, पानी में तैरना एक मुश्किल काम है। तो इस रेजिस्टेंस को पानी एक रेजिस्टेंस थ्रो करता है एनिमल्स की बॉडी में, जो उनको चलने के लिए मुश्किल पेश आती है, स्विमिंग के लिए मुश्किल पेश आती है। तो जो अडेप्टेशन एनिमल्स ने अडेप्ट की हैं वो हैं सबसे पहले कि स्ट्रीम लाइन बॉडी। आपने देखा है कि मछली की एक मखसूस स्ट्रीम लाइन बॉडी है, दरमियान से थिक और किनारों से पतली। ये स्ट्रीम लाइन बॉडी उसको स्विमिंग में हेल्प करती है, जो वाटर रेजिस्टेंस वाटर फ्रिक्शन का फैक्टर है उसको रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा जो डक जैसे जानवर हैं जो कि ज़मीन पे भी चल सकते हैं, उनके फीट वेब्ड होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डक के वेब्ड फीट हैं। ये वेब फीट डक्स को स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वाटर रेजिस्टेंस को कम करने में और पानी को प्रोपेल करने में, पीछे की तरफ धकेलने में मददगार होते हैं। फिर जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स सबमर्ज होती हैं, सबमर्ज रूट्स भी वाटर रेजिस्टेंस को कम करती है और उनको फ्लोटिंग में हेल्प आउट करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब हम बुक से पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एक्वाटिक हैबिटेट्स हैव वेल अडेप्टेड बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प देम टू लिव इन वाटर। फिश हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट अडेप्टेशन टू स्विम इजिली। डग्स, फ्रॉग्स एंड सीगल्स विद वेब फीट कैन इजिली स्विम एंड मूव इन वाटर। Numerous floating plants have floating leaves and submerged roots such as water hyacinth, hydrilla and water lily. In ये जो तीन तरह के plants यहाँ पर बताए गए हैं, इनकी roots submerged होती हैं जो कि इन्हें floating में help करती हैं। They have air spaces in their bodies. इनकी body में air spacing भी पानी का की friction को, पानी को कम करती है। आपने देखा होगा कि एक sponge जिसके अंदर एयर स्पेसिस हैं वो पानी की सरफेस पे तैरता रहता है, और एयर स्पेसिस की वजह से ही कुछ प्लांट्स पानी की सतह पे तैर सकते हैं। दूसरा थ्रेट जो एक्वेटिक हैबिटेट में फेस करना पड़ता है वो वाटर लॉस है। अब वाटर लॉस कैसे है, हालांकि वो तो पानी में ही रहते हैं तो उनको वाटर लॉस का कैसे थ्रेट होगा, तो ये वजह इनकी मिनरल कॉम्पोजिशन की वजह से है। कुछ पानियों में नमकियात यानी सॉल्ट्स, डिजॉल्व सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो पानी एनिमल्स की या प्लांट्स की बॉडी से में से बाहर आ जाता है, यानी वहाँ पे भी वाटर लॉस होता है, और इसकी वजह है मिनरल का कॉम्पोजिशन जो कि उस एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है। सो उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स ने क्या किया है कि वैक्सी कवरिंग डेवलप कर ली है अपने ऑर्गन्स में, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लीव्स के ऊपर एक शाइनी ग्लॉसी वैक्सी कवरिंग है। ये वैक्सी कवरिंग वाटर लॉस को यानी पत्तों का पानी से बाहर निकलने को, ट्रांसपिरेशन को का रेट कम कर देती है। वैक्सी कवरिंग इन देयर लीव्स प्रिवेंट वाटर लॉस एज वेल। ये तो थी वो सारी अडेप्टेशंस जो यूजुअली एनिमल्स को अपने हैबिटेट में रहने के लिए मददगार होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी हैबिटेट्स हैं लेकिन वो हमारे SLO से की लिमिट से बियॉन्ड है। सो अब हम उन्हें नेक्स्ट हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। आ जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ। आप अपना पेज 51 और पेज 50 देखिए। यहाँ आपको टेस्ट एक्सरसाइज 1 मिलेगी। टेस्ट एक्सरसाइज 1 का एक पार्ट आपको पेज 50 पे और रिमेनिंग पार्ट पेज 51 पे मिलेगा। टेस्ट एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन है, फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और उस स्टेटमेंट के साथ दिए गए चार ऑप्शंस में से स्टेटमेंट का सही जवाब तलाश करना है। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोलर बियर्स हैव वाइट फर दैट हेल्प्स देम टू लिव इन पर्टिकुलर हैबिटेट। पोलर बियर्स जो हैं आप पढ़ चुके हैं कि उनके ऊपर वाइट फर होती है जो उनको हैबिटेट में रहने के लिए यानी ठंडे ठंड से बचाने में मददगार होती है। व्हाट इज़ दिस एबिलिटी कॉल्ड, इनकी ये एबिलिटी क्या कहलाती है? अल्ट्रेशन है, अडेप्टेशन है, बायोलॉजिकल रिदम है या सर्कैडियन रिदम है? इनमें से जो भी राइट आंसर होगा आप उसको मार्क करेंगे। अब आप आ जाइए पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहेवियरल अडेप्टेशंस आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ डू दे हेल्प एनिमल टू लिव इन पर्टिकुलर हैबिटेट। आपने बताना है कि बिहेवियरल अडेप्टेशंस का क्या बेनिफिट है, उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, और ये एनिमल्स को कैसे एक जगह पर रहने में मददगार होती हैं, किस तरह के थ्रेट से बचाती हैं। चूँकि ये आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली है, यानी आपने इसका ब्रीफ आंसर करना है, 3 से 4 सेंटेंसेज में आप अपने क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। नंबर 5 क्वेश्चन है, हाउ आर आर्कटिक फॉक्स एंड बियर अडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड क्लाइमेट। आपने बियर और आर्कटिक फॉक्स की अडेप्टेशंस बतानी है उस पर्टिकुलर
एनवायरनमेंट यानी कोर रीजन के मुतल्लिक। इसके बाद आप आ जाइए रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज आपको मिलेगी पेज 56 पे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द फीचर दैट मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स हैव इज, एक्वेटिक प्लांट्स, ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स किस तरह के फीचर्स होते हैं? एयर स्पेसिस होती हैं, लेस टोमेटा होते हैं, थिन लीव्स हैं, या थिक प्लांट सर्फेस है? जो भी करेक्ट आंसर है आप उसका सर्कल फिल करेंगे। इसके बाद आप आ जाइए पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इन्वेस्टिगेट द वेरियस फीचर्स दैट अलाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। एनिमल्स और प्लांट्स के की स्पेशल अडेप्टेशन या पर्टिकुलर फीचर्स आप पर नोट लिखेंगे जो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से मुतल्लिक है। यानी सबसे पहले आप हैबिटेट लिखेंगे, उसके थ्रेड्स लिखेंगे, उस थ्रेड्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स के अडेप्टेशन और उस थ्रेड के अकॉर्डिंग प्लांट्स के अडेप्टेशन लिखेंगे और फिर एंड पे एग्जाम्पल्स देंगे। ये करने के बाद आप अपना समर पैक खोलिएगा। समर पैक में से आप एक्टिविटी 4, चैप्टर 4 की एक्टिविटी नंबर 4.4 सॉल्व करेंगे, जिसमें एक टेबल को कंप्लीट करना है आपने। इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में हैबिटेट बताया गया है, एक्वेटिक हैबिटेट, हॉटलैंड हैबिटेट और कोल्ड लैंड हैबिटेट। दूसरे कॉलम में अडेप्टेशन इन एनिमल्स, आपने क्या करना है कि एक्वेटिक हैबिटेट में एनिमल्स की अडेप्टेशन लिखनी है, हॉटलैंड हैबिटेट में एनिमल्स की अडेप्टेशन और कोल्ड लैंड हैबिटेट में एनिमल्स की अडेप्टेशन लिखनी है। फिर इन्हीं तीनों हैबिटेट्स में प्लांट्स की अडेप्टेशन लिखनी है और फिर एग्जाम्पल्स लिखनी है एनिमल्स की और प्लांट्स की जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब आप समर पैक में आ जाइए पेज 46 पे। यहाँ से आपको SLO बेस्ड MCQs मिलेंगे। MCQ नंबर 4 सॉल्व करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अब अगर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज हो जाए तो उस हैबिटेट पे क्या असर पड़ेगा? 4 ऑप्शंस में से आपने करेक्ट आंसर फाइंड करना है और फिर उसकी रीजन लिखनी है कि उस टेम्परेचर चेंज होने से वही फैक्टर क्यों चेंज हुआ। पेज 47 ओपन कीजिए। यहाँ से आप MCQ नंबर 8 सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान द कोल्ड डेजर्ट इज लोकेटेड। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? वजीरिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, थर या सवाबी में? क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कीजिए। पीकॉक नीड्स सनलाइट। पीकॉक को सनलाइट क्यों ज़रूरत होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए, या रेस्पिरेशन के लिए? राइट आंसर फाइंड करने के बाद उसकी रीज़न बताएंगे आप कैसा क्यों है। पेज 49 ओपन कीजिए अपने समर पैक का। यहाँ से आपको SLO बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे। व्हाई एनिमल्स नीड बिहेवियरल अडेप्टेशन फॉर देयर एनवायरनमेंट। गिव एग्जांपल्स ऑफ वन ऑफ सच अडेप्टेशन। आपने बिहेवियरल अडेप्टेशन की वजह बतानी है कि ये क्यों होती हैं और इनका क्या बेनिफिट है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। कंपेयर द अडेप्टेशन ऑफ फिश एंड डक फॉर लोकोमोशन इन वाटर। यानी फिश स्विम करती है, डक भी स्विम कर सकती है, लेकिन इन दोनों के स्विमिंग फीचर्स अलग अलग हैं। फिश को कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हेल्प करते हैं स्विमिंग में और डक्स के भी कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं जो उनको लोकोमोशन में यानी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आपने इन दोनों का इनकी मूवमेंट के लिहाज से कंपैरिजन करना है। ये तो था हमारा आज का SLO। आई होप कि आप अपना होमवर्क ऑनेस्टली करेंगे और टीचर को सबमिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।